चंगड़ नहीं है तो वो चंगड़ या झोंपड़ी में रहती है तो वो कहते मेरा दिल ये पुकारे आजा। इसी तरह के दिलचस्प वीडियो से लुत्फंदोज होने के लिए न्यूज ऑन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। वालेकुम सर, कैसे हैं? शुक्र है। कैसे हैं? हम तो बस ये मेला देखने आए और टिकटॉक की वीडियो बनानी है। ये रेस कोर्स में जो हो रहा है, कौन सा मेला हो रहा है यहाँ? ये फेस्टिवल जो हो रहा है। ये फ्लावर वगैरह देख? हाँ जी, फ्लावर पसंद है। फ्लावर तो बहुत ज्यादा है, पसंद ही नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा है ना, इसलिए थोड़ा सा नर्वस हो गया, कंफ्यूज हो गया, कौन सा पसंद करूँ। गुस्से से देख रहे हैं आप? यार यार, एक्चुअली हम ना टिकटॉक की वीडियो बनाते हैं और टिकटॉक पर जी टिकटॉकर एंड यूट्यूबर हूं मैं। टिकटॉकर स्टार्ट होने वाला हूं। होने वाले? अच्छा, मुझे ये बताएं, सुनने के ख्वाब देख रहा हूं? देख रहे हैं ख्वाब? जी जी, तो इंशाल्लाह तआला मेहनत करें तो हो ही जाएंगे ना। अच्छा, मुझे आप दोनों में से बताएं, आप भी बता देंगे, आप बता दें, आप कौन सी पोजीशन पे और आप कौन सी पोजीशन पे? मैं आगे हूँ। लड़कियाँ हमेशा आगे रहती हैं और मैं पीछे हूँ। जी जी बिल्कुल। यार इतने हंस के एंजॉय करके तबाह, ये कैसे तबाह होना है? क्या करे कोई, मैं लैला तो हूँ नहीं, मैं लैला नहीं हूँ कि जोक ले लूं। कहते हैं ना, जो इंसान हंसता है वो अंदर से दुखी होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कोई हिसाब नहीं है। मैं कोई लैला नहीं हूँ, ना मैं शीरी हूँ कि मैं जो है मर जाऊँ, इस तरह का बिल्कुल कोई सीन नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक्चुअली सिंगल नहीं है लेकिन गुड फील करते हैं हम जो भी है। जी जी, शुक्र अल्लाह का। किससे? अपने आप पे। पूरी दुनिया से ही खुश है। तो मुझे ये, आपको कोई फ्लावर पसंद है? हम, मुझे सारे फ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे सिर्फ फ्लावर नहीं, ये पौधे भी बहुत अच्छे लगते हैं। ग्रीन ग्रीन जो इनके पत्ते हैं, ये भी बहुत पसंद है और मैं बहुत खुश हुई हूँ यहाँ पे आके। मुझे बहुत सब ही अच्छे लग रहे हैं। तो लाहौर में रहते हैं या लाहौर से? लाहौर में रहती हूँ। और आप? लाहौर में। आप लाहौर के? जी जी लाहौर। आप चीचा? मैं आपको मलिया का नाम लेना चाहिए था आपको। मैं आपको कश्मीर का नहीं लग रहा? कश्मीर के नहीं लग रहे, सही बताएं, लाहौर के? लाहौर के ही हैं हम दोनों। जी जी, तो माशाल्लाह आप, मुझे ऐसे लग रहा था कि आप हस्बैंड वाइफ। नहीं नहीं, हम एक्चुअली दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हम यूट्यूब की वीडियो भी बनाने आए हैं और टिकटॉक की वीडियो भी बनाने आए हैं। वैसे हमने ना एक एपिसोड क्रिएट किया हुआ है, उसकी थोड़ी सी वीडियो बनाने आए हम। थोड़ा सा हमें बताएं, एक्टिंग करके कोई एक्टिविटी किया आपकी? कौन सी एक्टिंग करनी है मुझे बताएं। नहीं तो आपने जो कह रहे ना, वीडियो बनानी है? जी जी बना। लिपसिंग करते हैं कि स्लोमो बनाते हैं? लिपसिंग भी करता हूँ, स्लोमो भी बनाता हूँ। वो भी बनाते हैं। एक्चुअली इसकी तरफ से एक शॉर्ट मूवी है जिसमें मुझे बेवफा दिखाया गया, ये गरीब लड़का है। नहीं, दिखाया नहीं गया है, मतलब कि दिखाया गया ये लड़कियों की रियलिटी है ना। एक्चुअली लड़कियाँ हमेशा की तरह, जिसे कहते हैं ना, मैं भी लालची थी और उसने दानिश को छोड़ दिया था, तो मैं लालची बोलता हूँ। आप एक डायलॉग बोल रहे, फिर मैं इनके लिए एक लाइन बोल। मैं एक डायलॉग इनको बोलता हूँ। हाँ जी, ये टिकटॉक है। धोया तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम अली से प्यार, तुम जैन से प्यार करती हो? तुम कह रही हो कि मेरी शादी हो रही है? ये देखिए आप हंस क्यों रही हैं? एक्चुअली मैं बेवफा हूँ, मैं बेवफा हूँ, इसलिए मैं बेशर्म हूँ। अच्छा, कहते हैं कि लड़कियाँ बेवफा होती हैं कि लड़के बेवफा होते हैं? लड़कियाँ ज्यादा बेवफा होती हैं। लड़कियों की बात हो रही, आंटी की नहीं हो रही? जैसे अभी आप काफी एजिड है। हाँ, मैं एक्चुअली बेटा 45 साल की होगी, आपको चाहिए कि मुझे आंटी कहे? नहीं आंटी, मैं वैसे बता रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं 45 साल की हो गई हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 16 साल की लगती हूँ और 16 साल की रहूंगी। ये बिल्कुल कैमरा सिर्फ दिखा रहा है लड़की, देखा जाए। आप मुझे बताएं, ये अपनी जाल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली मैं 16 साल की हूँ और 16 साल की ही दिख रही हूँ। और ये देखें, ये सच्ची चाचू लग रहे हैं मेरे साथ खड़े। जल्सी जल्सी वाली कोई बात नहीं। गाइस इनकी आप एज कमेंट करके बताएं, ठीक है ना, कि इनकी एज कितनी है? 16 साल की थी, 16 की, और हमेशा नहीं, मजाक। मैं 16 साल की थी तो डॉक्टर ने कहा था कि आपका एक प्रॉब्लम है, आप हमेशा 16 साल की रहोगी। तो वो डॉक्टर मरा नहीं? नहीं मरा नहीं है, पता है। जो सच बात है ना, इनकी एज जो है वो 25 से ऊपर, या आप बाकी गेस कर ले। नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं, एज एज सीरियसली बताएंगे। मैंने आपसे आपकी तनख्वाह पूछी है, आपकी सैलरी पूछी है मैंने आपसे, मुझे बताइए। मेरी सैलरी है कुछ नहीं, मैं तो फ्रीलांस काम कर रहा हूं। तो मेरी भी एज कुछ नहीं है, मैं भी एमी बस घूम रही हूं। मतलब कि जितनी मर्जी एज नहीं है, जहाँ पे जैसे होगा वहाँ पे समझ ले मुझे कि मैं हमेशा जवान रहने वाली डाई नू, मैं खून पीती हूँ। ऐसे ही है जी जी। आजकल वो एक लड़की बड़ी वायरल हुई है, आशा मानो, उसने क्या किया जो वो वायरल हो गया? उसके देखे ना, टिकटॉक पे ही था जो जो आप मुझे उसका एक स्टेप थे ना, बस हम लोग चंगड़ नहीं है।
वो चंगड़ है। तो वो चंगड़ या झोपड़ी में रहती है तो वो नहीं वो वाली नहीं, वो जो कह रही है मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे, वो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है वो लड़की। अभी आप कह रहे चंगड़ी है वो, चुगियों में रहती है। नहीं मैं माजद मैं समझी थी वो टिकटॉक स्टार वाली करती, मानो की बात कर रही हूँ। तो मानो ने एक अपनी धुन में जो है ना अपनी मस्ती में एक फैमिली फंक्शन में गाना किया है, उसको कोई उसका क्या कहते हैं उसने कोई रिहर्सल नहीं की थी, उसने कहा उसके बकोल के उसने रैंडमली किया तो वो वीडियो डांस किया, और उसमें कोई भी एक भी स्टेप ऐसा नहीं है कि जो वल्गर हो या उसके बारे में कुछ कहा जा सके। लेकिन हैरान हूँ हमारे अपने पाकिस्तानी लोगों की मेंटेलिटी के बारे में कि उसके उसका फिगर के बारे में बात की जा रही है। कल मैंने पोस्ट देखी कि उसका ड्रेस जो है वो 3 लाख रुपए में जो है वो बिक रहा है, वो ग्रीन वाला, ग्रीन वाला वो ड्रेस है, वो वायरल हुई। इवन कि वो इतनी ज्यादा वायरल हुई कि इंडिया में जो माधुरी जैसे स्टार है माधुरी ने उन्होंने उस पर डांस किया, उसकी किस्मत थी कि वो इतना वायरल हुई। हमारे यहाँ पे लोग जो है उसके ऊपर टॉन्ट क्या कर रहे हैं, हाँ उसके फिगर के बारे में स्पेशली टॉन्ट किया जा रहा है। ये एक ने कहा, मैंने देखा ये तो चुई सी है, नहीं, वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं ना उनके फिगर, वो आप उसके इंस्टाग्राम पे जाएंगे ना इंस्टाग्राम पे तो वो आप देखेंगे तो वो आपको फिर पता चल जाएगा। अच्छा मुझे बोला आप वो मानो का एक स्टेप लगा के यार वो आप टिकटॉक नहीं देखे ना, आप टिकटॉक करें उसके साथ लड़कों ने ड्यूट भी की है, आप टिकटॉक करो, एक्टिंग है ना कुछ भी उसमें हो सकता है। वो कहता है कि यार हम इतनी वीडियोस बना बना के लगा देता हूं जो हाँ, मानो का आप थोड़ा सा पीछे हो जाए आपको बाजू ना लग जाए मेरा दिल ये पुकारे यार नहीं हो सकती। मुझे जो उसका सबसे अच्छा स्टेप लगा था ना वो जो ऐसे ऐसे करती है ना वो वाला ज्यादा अच्छा लगा था मुझे, वो ज्यादा मैंने ना एक्चुअली इतना ना डीपली इसको जाके देखा नहीं है, सिर्फ ऐसे वीडियो भी वायरल होगी तो मैंने नहीं देखा वो, बस ना जो वीडियो सामने आ रही थी वो बस देख ली, जब ऊपर करो वीडियो मेरा दिल ये पुकारे। ये जी आशा मानो के मुकाबले पे यहाँ पे रेस कोर्स पार्क में हमें एक आपका नाम नहीं मैंने पूछा, वजदान राव, आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज हमें आशा मानो के एक लेवल पे जो ना आप हमें एक उनका ना छोटा सा क्लिप हमें करके दिखा, आशा मानो का अभी कितना करके दिखाना है मैंने आपको, नहीं वो जो बाजुओं वाला है वो जो बाजू शायद उसके लंबे आपसे, नहीं मेरे छोटे हाँ मेरे बाजू में छोटी सी ना इसलिए मेरे बाजू भी छोटे। एक्चुअली ये एक बात है, उनके बाजू बहुत लंबे हैं, वो खुद छोटी हैं, उनके बाजू ज्यादा लंबे हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक बहुत एक उसका प्यारा सा पतली सी है, आपने देखा होगा कि जो मोटे लोग आपसे ज्यादा पतली, मेरी तरह ही होगी, खाना वगैरह नहीं खाती मैं, बिल्कुल खाती हूँ, आप लोग एक्स्ट्रा खा लेते हो इसलिए तो हमें मिलता नहीं है खाना, बात सिर्फ ये ही है ठीक है। बहुत से जो मोटे लोग होते हैं ना वो अपने एहसास कमतरी की वजह से जो होते हैं वो पतले लोगों पर ना टॉन्ट करते जाते हैं और उन पे बातें करते जाते हैं ठीक है। इवन ये जो मोटे लोग होते हैं ना मेरा इशारा आप लोग देख सकते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग खुद जिम जाते हैं और ये डाइटिंग शाइटिंग करते हैं और बातें हमें करते हैं सिर्फ और सिर्फ जेलसी की वजह से। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लड़के लड़कों को खा जाती है ये ले, अब वो खुद ही कह रहे हैं कि लड़के उसकी किसी गर्लफ्रेंड ने खाया होगा ना, मैंने नहीं खाया उसका। अच्छा चले मुझे ना लास्ट पे जो सना आशा मानो के लिए एक वो सॉन्ग और वो जो सना उसका एक क्लिप एक कर दे, मेरा दिल ये पुकारे आजा। अच्छा ये बड़ा प्यारा कपल था, तो इन्होंने हमें आयशा मानो का जो उनसे ना एक छोटा सा क्लिप हमें दोनों ने करके दिखाया, आपने बताना कि दोनों में से ज्यादा क्लिप किसका अच्छा, ज्यादा ज्यादातर कमेंट्स आएंगे इनके क्योंकि इनके जो बाजू है ना तकरीबन उनसे मिलते जुलते हैं, तो आपने यकीन है प्रोग्राम एंजॉय किया होगा, लाइक करें वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये भी वायरल हो जाए ऐसे करके। न्यूज़ उनके साथ हामिद को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है, सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है, अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।